डूंग वेल एज द टाइटल सजेस्ट दिस रीडिंग इज अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस उनकी पर्सनैलिटी उनकी फिजिकल अपियरेंस वो कैसे पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है वो आपको इस रीडिंग में पता चलेगी ऑफकोर्स दिस इज नॉट दू नो होल पिक्चर दिस इज दिस इज गोने बी द पार्ट ऑफ देअर पर्सनैलिटी आई मीन ह्यूमन बींग्स आर सो कॉम्प्लेक्स वी आर कॉम्पलेक्स ऑर्गेनिज्म सो सिर्फ दस पंद्रह या बीस मिनट में एक पर्सन के बारे में बताना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इंपॉसिबल थिंग वी ऑल बिहेव डिफरेंटली टू डिफरेंट थिंग्स राइट तो हमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आपके स्पाउस के बारे में इस रीडिंग में मिलेगी इट्स नॉट द होल पिक्चर इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ देअर पर्सनैलिटी ऑल राइट सो लेट जस्ट गेट्स स्टार्टेड हेयर आई विल गिव यू फोर पाइल्स टू चूज एंड उसके साथ आपको जो है पाइल से भी आप चूज कर सकते हो यानी आप कार्ड से भी चूज कर सकते हो या फिर मैं आपको जो हूँ स्टोन्स भी प्रोवाइड करूंगी आप उससे भी चूज कर सकते हो अपनी पाइल इंटुएटिवली आपने चूज करनी है यहाँ पर उनकी एनर्जी पर्सनैलिटी उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में आपको पता चलेगा और अगर कोई टाइमिंग भी टेरो हमें बताता है फॉर योर यू नो आप इस पर्सन से कब मिलते हो अपनी लाइफ में तो वो भी आज जो है आपको इस रीडिंग में मिलेगा सो लेट जिस गेट स्टार्टेड फोर पाइल्स आपके लिए मैं रेडी कर देती हूँ फोर पाइल्स Alright, so this is gonna be pile number one. We have the sunlight and we have the candlelight. <laughs> I'm shooting this reading for you. I'm filming this reading for you in the afternoon. Then we have pile number two. Okay, pile number three. aniki I mean pile number three. I feel that. जो भी मतलब आप अगर यू नो यू चोज फाइल नंबर थ्री एंड यू आर प्लानिंग टू चूज फाइल नंबर थ्री तो बहुत जल्दी है आपको अपने पार्टनर से मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी है एंड आई फील दैट यू जस्ट वॉन्ट टू बी विद देन वी है फाइल नंबर फोर सो आप ऐसे कार्ड से भी चूज़ कर सकते हो मैं आपके लिए जो हूँ यहाँ पर ऐसे बटन से भी ये आई I मीन mean, आपको क्रिस्टल बटन जो भी है ये इससे भी आप चूज कर सकते हो सो दिस इज द ऑरेंज बटन ओके या ऑरेंज बटन देन वी हैव द पाइल नंबर टू आपके लिए है द पर्पल बटन ऑल राइट दिस इज योर पर्पल बटन Then we have the blue button here, light blue, right? Light blue button, file number three, and then we have the white button, which is again a very beautiful button, right. alright so let's just get started here with the reading pile we'll number one we'll is orange button एंड यस बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग बिफोर यू नो मै मैं इसका स्क्रीन शॉट लगा दूंगी उससे पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग देन आई ऑल्सो डो पर्सनल रीडिंग आप जो अपने लिए पर्सनल रीडिंग मेरी वेबसाइट से बुक करा सकते हो मैं एस्ट्रोटेरो रीडिंग और नक्षत्रा कुंडली रीडिंग करती हूँ एस्ट्रोटेरो रीडिंग में आपके नक्षत्रा के बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्रा प्लस uh, टेरो स्प्रेड आ जाता है एंड आपके नक्षत्रा कुंडली रीडिंग में आपके जो करियर कंसल्टेशन है मैरिज कंसल्टेशन है वो आ जाती है प्लस हॉरोस्कोप मैचिंग एंड वन मोर रीडिंग ऑन माइ वेबसाइट इज नोन एज द यूनिक नविंगली रीडिंग इट्स बेसिकली द रीडिंग अबाउट योर सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ लाइफ आफ्टर मैरिज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चिल्ड्रन करियर इट इज द स्टडी ऑफ द डी नाइन डी नाइन इज द हार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आई मीन इट्स द हार्ट ऑफ योर मेन बर्थ हॉरोस्कोप इफ यू हैव डेबिलिटेटेड सन You will have a low esteem, alright. But if you have an exalted son in your Nabamsha, then in the second half of your life, or I should say, when you go through such experiences which make you have low self-esteem, low confidence, situation you somehow become this person who is okay with the criticism and have a very high self-esteem.

Hello pile number one. So this is your reading. You chose the orange stone here. And let's just get started. So apni yew card choose karekya apki future spouse ki energy. So it's a resilience. It says it says sticks and stones may break my bones. And unkind words can somehow drain every bit of joy and colour from my once rosy life but nothing can ever permanently damage the real me i love myself i cherish myself and i vow to remember that i'm always camped out in the depths of myself even when i don't feel like very much of myself i really feel that this person is really very very mature this person is a person jo a apni life me kafi kuch jo hai, अर्ली ऑन ही देख लिया काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल से ये पर्सन अर्ली ऑन ही जो है निकल के आए हैं ये जो भी पर्सन है दिस पर्सन इज रेली वेरी रिजिलियंट दिस पर्सन इज रेली यू कैन सेक एक्सपीरियंसड पर्सन एंड वाइज पर्सन अर्ली ऑन इनका जो चाइल्डहुड था इतना अच्छा नहीं था थोड़ा ट्रामेटिक हो सकता है एंड दिस पर्सन आई रियली फील इट्स इज ही इज़ वेरी मेच्योर अपनी एज से बहुत ज़्यादा मेच्योर एंड आई रियली फील दैट योर धाराकार का स्पाउस सिग्निफिकेटर कैन बी सैटरन कैन बी सैटरन बिकॉज सैटरिन इज ओल्ड वाइज मेच्योर एंड ही ऑल्सो डेल्ट विद फादर लाइक ही डेंट हैड अ गुड रिलेशनशिप विद द फादर आपके जो स्पाउस है उनके फादर जो होंगे शायद आपके स्पाउस और उनके फादर का जो रिलेशन है इतना अच्छा ना हो स्ट्रेंड हो कहीं ना कहीं उनके अगर ब्रदर्स भी हैं तो उनके साथ भी उनका रिलेशन शायद इतना अच्छा नहीं था बिकॉज यामा नेवर रेली लाइक्ड शनि एंड शनि नेवर रेली लाइकड यामा बिकॉज यामा वॉज फेवर्ड बाय सूर्य देअ फादर सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है फादर और ब्रदर के साथ जो रिलेशन आपके स्पाउस का है अपने फादर और ब्रदर के साथ वो इतना अच्छा नहीं है वेअर इज द मदर सम हाउ इट ही कैन ऑल्सो फील दैट हिज ओन मदर इज लाइक द स्टेप मदर दस नॉट रेडी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द मदर एज वेल तो ऑफकोर्स इट शोज ये जो resilience का कार्ड है इट शोज दैट घर पे जो सीनारियोज रहे इतने अच्छे नहीं रहे एंड बिकॉज घर पर इतना क्रिटिसिज्म मिला जब अपनों से क्रिटिसिज्म मिलता है दूसरे भी छोड़ो जब अपने से अपने से अपनी फैमिली से जब क्रिटिसिज्म मिलता है वो ज्यादा दुख वाला होता है सो so, इस वजह से ये पर्सन जो है आपके स्पाउस जो है बाहर किसी ने कुछ भी कहा सो कहा इज रिजिलियट टू इट बट जब घर पर कोई ऐसे कहता है वो चुपता है इनको पर पर एज ही ग्रोज एंड एज ही मेच्योर्स वो घर वालों का भी जो है परवा मारनी इस पर्सन ने जो है बंद कर दी है बिकॉज कहीं ना कहीं घर वालों से भी वो सुख जो है वो नहीं मिला इस पर्सन को एंड ही इज नाउ वेरी वेरी रिजिलियंट टू एनी क्रिटिसिजम अपोजिंग ओपिनियंस बहुत ज़्यादा रिजिलियंट है ये पर्सन आई फील दिस पर्सन इज रियली वेरी स्ट्रांग मेंटली इमोशनली एंड इवन स्पिरिचुअली बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसिस बिकॉज ऑफ द पास्ट प्रेजेंट जो है इस पर्सन का अभी भी जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो देख रहे हो तब भी ये प्रेजेंट अच्छा ही है इनका आई डोंट फील दैट दिस पर्सन इज नाउ हर्ट और समथिंग यस वो पिंच इन हार्ट है बिकॉज ऑफ फैमिली बट एज सच अभी प्रेजेंट में कोई इनको हर्ट नहीं है

फाइल नंबर वन के पाउस की एनर्जी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ऑल राइट सो वी हैव द्रेटफुल ऑप्टिमिज्म ब्यूटिफुल देन वी हैव दर्ड अगेन वेरी ब्यूटिफुल कार्ड वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड सो हे और

मे बी देयर फादर हिज फादर और हर फादर इज ओवर डोमिनेटिंग रेली डोमिनेट्स हिम और हर एंड फादर की ओपिनियन उनकी लाइफ में काफ़ी मैटर करती थी और है भी एंड आई फील के दिस पर्सन गॉट द करेज गॉट द स्ट्रेंथ द फियरनेस फ्रॉम हिज फैमिली ओनली फ्रॉम हिज फैमिली इट्स नॉट के अगर अच्छा रिलेशन नहीं है फैमिली के साथ तो कोई स्ट्रेंथ या कोई यू नो फ्यस एक कारेज वो मिला ही नहीं है फैमिली से नहीं इन्होंने अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखा है देरेंट्स द सिबलिंग्स बिकेम हिज टीचर्स इन हिज लाइफ घर से बहुत कुछ हिस्स पर्सन ने सीखा है ऑलरेडी एंड क्योंकि घर से इतना सीखा है घर पे जो है नेवर रियली हैड ए गुड टाइम तो बाहर जो है जो बाहर के रिलेशन हैं जो फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है या क्लासमेट्स कलीग्स के साथ जो रिलेशन है वो ओके ओके हैं उनको निभाना आ जाता है बेसिकली जब हम क्रिटिसिज्म घर से फेस करने लग जाते हैं तो बाहर वालों की इतनी परवानी होती एंड दैट्स हाउ ही बिकेम सो लाइक ही बिकेम लाइक द लाई द किंग बिकॉज इतने रिजिलियंट हो गए ये पर्सन और हैं क्योंकि शुरुआत से इन्होंने काफी क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करा है तो बाहर वालों की अब इनको परवाह रही नहीं लोग चाहे कुछ भी कहते रहे ही डज नॉट केयर ही ही डू हिज वर्क ही डज हिज वर्क वेरी नाइसली इन अ वेरी गुड वे और ही इज द किंग इन हिज यू नो प्रोफेशन करियर इन द सोसाइटी ही इज वेल रिस्पेक्टेड एज वेल सो दैट कैन बी सीन एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली

उनको ये प्रॉब्लम लगती ही नहीं है उनको लगता ही नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम है भी सच में बिकॉज दिस पर्सन इज सो 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 रिजिलियंट सो ये चीज यहां नजर आ रही है आई वुड से अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन अ वेरी करेजस पर्सन किसी भी चीज से घबराते नहीं है इज द मैचो मैन हियर ही इज द मैचो मैन ही कैन इवन आई मीन यू कैन हैव द धारा कार का प्लेनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट मार्स बिकॉज मार्स इज अ मैचो मैन so that's there. i mean, uh, if you know, mars, is, Ru mars rules tuesday. and many a times, you would have seen this again, that uh, people go to hanuman temple on tuesday. mars jesse uh, mind me because mars is that action orientation, joker, abhi karna, the soldier mentality, the person who has a lot of muscles. a lot of muscles is very muscular. तो हमें कौन से भगवान की याद आती है इन हिंदू कल्चर इट्स हनुमान दैट्स वाई ऑन ट्यूजडे पीपल गो टू हनुमान टेम्पल सो आई रियली फील दैट दिस पर्सन विल ऑल्सो बी इन टू बॉडी बिल्डिंग कैन बी इन टू बॉडी बिल्डिंग कैन बी कोर्स इफ यू हैव सैटर्न धारा कार का देन योर स्पाउस इज बी अ पर्सन जो एवरेज उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा थोड़े डार्क उनका स्किन कलर होगा वीटेस या डार्क स्किन कलर होगा इफ़ यू हैव मार्स एज योर धारा का वु आई सी दैट मार्स कैन बी द धारा का तो उसके अंदर यू योरस विल बी लाइक द मैचो मैन ही विल बी मोर मस्कुलर। दैट कैन बी सीन आई रियली सी दैट मार्स कैन ऑल्सो बी द धारा का एंड ही कैन बी द मस्क्यूलर वन एंड या उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अगर हमें टेरो कुछ बताए फिजिकल अपियरेंस ऑफ पायल नंबर वन स्पाउस फिजिकल अपियरेंस राइट सो वी हैव नाइन वॉन्ट्स अगेन अदर्स पर्सन इज डीलिंग विथ ऑब्स्टिकल्स हेयर एंड दे आर लाइक शॉक्ड और पर मन में ये है कि नहीं एनर्जी यहां पर नजर आ रही है देन वी हैव नाइन ऑफ वॉट्स स्लीपलेस नाइट ओवर थिंकिंग देन वी हैव दिक्कस ऑफ वॉन्ट्स यानी अप्रिसिएशन भी मिल रही है इस पर्सन को आई मीन

और बहुत कुछ घर से सीखा इस पर्सन ने फिर सो दैट कैन बी सीन एंड नाइन ऑफ एंड विक्स ऑफ वॉन्स नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आई रियली फील आई हैव टू से समथिंग अबाउट हिज यू नो फिजिकल अपीयरेंस ये पर्सन काफी ब्राइट पर्सन होंगे इनकी आंखों में जो है आईज में जो है यहां पर भी आईज आईज अगेन दीज द आईज आर वेरी फायरी काफी फायरी आईज है एट द सेम टाइम इस फायर को इस पर्सन को कंट्रोल करना आता है तो आंखों से वो मेचोरिटी भी झलकेगी और इनकी जो नोज होगी इट विल बी क्वाइट प्रोमिनेंट द नोज विल बी प्रोमिनेंट लिप्स विल बी थिन लिप्स विल बी थिन अगर आपने देखा हो दट इफ वी डू द फेस रीडिंग एज वेल द पीपल हु हैव थि लिप्स आर क्वाइट क्रिटिकल अबाउट द मनी कि वो मनी किधर जा रहा है किधर इन्वेस्ट हो रहा है दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट द मनी जिसके यू you नो know, थोड़े प्लम्प लिप्स होते हैं वो ओवर इंडल्ज भी करते हैं स्प्लर्ज भी करते हैं मनी जल्दी खर्च करते हैं एंड यू नो हेयर वॉट आई सी इज दैट दिस पर्सन ऑफ तिन लिप्स एंड दिस पर्सन रेली इज अबाउट के मनी किधर जा रहा है कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है किस चीज पर इन्वेस्ट हो रहा है सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मनी से रिलेटेड जो फाइनेंस से रिलेटेड ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कभी भी फिजूल खर्ची पर जो है uh, मतलब उसको अच्छा नहीं मानते मनी का सुदुपयोग करना पैसे का सुदुपयोग करना इस पर्सन को अच्छा लगता है दैट कैन बी सीन एंड अगेन फिजिकल अपेयरेंस बॉडी की अगर हम बात करें तो आई वुड सी इट्स अ मस्कुलर बॉडी इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ फीमेल फॉर अ वाइफ और इफ यू आर लेस बीन

देन आपकी जो पर्सन है वो जिम भी जाती होंगी शी विल गो टू जिम मेल आई वुड से अगर आप यू uh, नो you know, एक मेल काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हो मेल पर्सन के लिए हस्बैंड के लिए देख रहे हो देन आपके जो स्पाउस होंगे हस्बैंड होंगे मेल काउंटर पार्ट होंगे वो इतना ज्यादा शायद जिम ना जाते हो अर्ली ऑन इन टीन एज लाइफ आई वुड से दैट दिस पर्सन वुड जिम बट लेटर इन हिज ट्वेंटी दे स्टॉप गोइंग टू जिम दे स्टॉप्ड बट स्टिल उनकी बॉडी काफी ज्यादा मस्क्युलर है दैट कैन बी सीन इस पर्सन को जो है नेचर के साथ रहना अच्छा लगता है जब भी ये सेमी अर्बन या रूरल एरिया में होते हैं दिस पर्सन फील्स अलाइव दिस पर्सन फील्स हैप्पी और अच्छा फील करते हैं जब भी ये जो है एक यू uh, नो you know, uh, एक विलेज काइंड ऑफ सेटिंग में होते हैं नियर नेचर होते हैं इवन माउंटेनियस रीजन्स पर भी इस पर्सन को जाना अच्छा लगता है बट आई फील कि इस पर्सन को समर टाइम ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू विंटर पर अगेन कभी माउंटेन पर भी जाना अच्छा लगता है बेसिकली नेचर के साथ रहना इस पर्सन को बहुत 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 अच्छा लगता है दैट कैन बी सीन पर कुछ और चीजें आपके स्पाउस के बारे में कुछ और पर्सनैलिटी ट्रेड कुछ और स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में सो वी हैव फियर आई रियलाइज़ That uh, I am testing my resolve to live in the energy of love. I feel that this person fears ki the person this person fears because of love. He is fearful of love. जो भी आपके person है पायल नंबर वन कहीं ना कहीं प्यार से डरते हैं क्योंकि दिस पर्सन हैज दिस फीलिंग की जो भी इनको प्यार करता है जो भी इनको पसंद करता है वो पर्सन इनकी लाइफ से चला जाता है कुछ ऐसे उस पर्सन के साथ एक्सपीरियंसिस हो जाते हैं कि ये पर्सन उनको um, छोड़ देना चाहते हैं सो ही रियली फियर्स लव ही इज अड स्ट्रांग पर्सन और इस पर्सन को पता है कि येस लव इज कॉम्प्लीकेटेड एंड वेन वन पर्सन इज इन लव तो वो अपना लॉजिक वो अपना माइंड इतना नहीं यूटिलाइज करते वो अपनी फीलिंग्स अपने इमोशन से फिर डील करते हैं फील इमोशनली दिस पर्सन वेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप इतने ज्यादा जो है अच्छे नहीं है मे बी दिस पर्सन इज फ्यरफुल ऑफ रिलेशनशिप्स इज फ्यरफुल ऑफ कि मैं दूसरे पर्सन को कैसे खुश रख सकता हूँ कैसे खुश नहीं रख सकता हूँ क्या चीजें होती है रिलेशनशिप में क्या मुझे करना पड़ेगा रिलेशनशिप में और बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है ये कह लो समझ नहीं है कि एक अच्छे रिलेशनशिप को एक रिलेशनशिप को अच्छे से कैसे निभाएं क्योंकि कहीं कही कही ना कहीं इनकी फैमिली जो है फैमिली लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी इतना लव इतना इतना स्नेह या सपोर्ट इन्होंने नहीं देखा अपनी फैमिली में तो इस पर्सन को नहीं पता कि एक फैमिली कैसे बनाए या एक यू uh, नो you know, एक रिलेशनशिप कैसे चलाएं दिस पर्सन इज नॉट रियली अबाउट Romantic relationship It's not really about romance. This person will have the passion, of course, will have the aggression, fire passion, but this person ko pata ki what is romance. He will know um, the the uh, what what's that term? Passion and aggression. He will know that, but romance inka element in है. He is very realistic, or she is very realistic in their approach. And this person, I don't think that you लव मैरिज में मिलेंगे आई फील दैट दिस इज ए दिस इज एन अरेन्ज मैरिज दिस इज नॉट रेली अ लव मैरिज दिस इज नॉट अ लव मैरिज और ये जो भी पर्सन है कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं थे डायरेक्टली मैरिज ही करेंगे इस तरह के पर्सन है सो दैट्स ऑल्सो देर लेम पुल फ्यू मोर कार्ड फॉर द एनर्जी और फॉर द फिजिकल अपियरेंस और अगर कोई टाइमिंग हमें पता लगे आप इस पर्सन से मिलते हो आई फील नाइन मंथ्स या नाइन वीक्स के बाद आप इस पर्सन से मिलते हो मिल सकते हो इफ यू आर इन द मैरिजेबल एज बिकॉज दिस इज एन अरेज मैरिज नॉट अ लव मैरिज देन वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्परेट इफ आई एम यू नो पुचरिंग द नेम प्लीज माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड बट फिर भी बोल लेते हैं <laughs> Then we have the hold your vision fixed moon. I mean, this person is very fixed on their approach that I want this and I do not appreciate that. He's very fixed about certain things in his life. Very, very, very fixed. Very fixed. So it says, uh, mediate and contemplate new moon in Pisces. So, this person. Again, we have two fishes.

इट शोज कि यहाँ पर ये पर्सन को पता नहीं लगता कि कैसे जो है इस रिलेशनशिप में बात करें और कैसे इस रिलेशनशिप को निभाएं समटाइम इज रियली वेरी गुड समटाइम इज नॉट एट ऑल गुड समटाइम इज रियली वेरी पोलाइट और समटाइम शी इज वेरी रूड तो यू आर सी द मूड स्विंग्स हेयर फॉर श्योर इन द मैरिज सो ये चीज है यहाँ पर इन दी होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून आई ऑल्सो सी दैट अगर इस पर्सन ने कुछ ठान लिया तो ये करके दिखाते हैं ही इज वेरी फिक्सड ऑन दैट इन इस पर्सन को हिलाना उस चीज से बहुत मुश्किल है अगर इस पर्सन ने कह दिया दैट आई विल डू दिस ही और शी विल डू इट नो मैटर वॉट जल्दी से मैन्यूपुलेट नहीं होते पर्सन यू हैव टू गिव हिम और गिव हर अ वेरी स्ट्रांग वेरी 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 स्ट्रांग थिंग ये कह लो कि एक, एक काफ़ी ज्यादा स्ट्रांग चीज चाहिए एक तथ्य चाहिए एक स्ट्रांग तथ्य उसी के बाद वो आपकी बात मानेंगे अगर इन्होंने किसी चीज़ के लिए मन बना लिया तो बहुत मुश्किल है इस पर्सन को उस चीज से हटाना और ये पर्सन जो अपने मन से भी अपने दिल से भी कई चीज़ें लगा लेते हैं अगर आपने इस पर्सन को कुछ कह दिया और उनको वो बात लग गई फिर कई दिन तक वो उस चीज को भूल ही नहीं पाएंगे जल्दी से लेट गो नहीं कर पाएंगे सो दैट्स ऑल्सो और शी इज द मैच ऑफ वुमेन बट स्टिल जो मन से चीज लगा ली फिर वो लगा ली छोड़ते नहीं है जल्दी से उस चीज को फिर और ये चीज भी आप देखोगे कि अगर इस पर्सन ने आपको कुछ कह दिया तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको माफ़ कर दो पर जब आपने उनको कुछ कह दिया आपने उनको कुछ कह दिया और उनको बुरा लग गया और अगर आपने एक्सपेक्ट करा कि वो आपको आपकी इस बात को भुला देंगे आपको जो है माफी दे देंगे तो ये आपको एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि <laughs> भूलते नहीं एंड ही विल ब्रिंग बैक द पास्ट इन द प्रेजेंट ही विल ब्रिंग बैक द पास्ट कि तुमने ऐसा कहा था सो so, वो एनर्जी भी है यहाँ पर सो दैट इज समथिंग विच आई एम सींग हेअर अ वेरी वेरी मेचोर पर्सन बट इमोशनल मेच्योरिटी रिलेशनशिप में इतनी नहीं है यू नो हाउ टू डील इन द प्रोफेशन बट इमोशनल मेचोरिटी जो चाहिए होती है वो इस पर्सन में इतनी नहीं है जो रिलेशनशिप की मेचोरिटी होती है वो इस पर्सन में नहीं है एज सच इन प्रोफेशन इन फ्रेंडशिप ही इज गुड

हेलो पाइल नंबर टू सो दिस इज योर रीडिंग यू चोज द पर्पल स्टोन हियर कैमरा फोकस या पर्पल आई शुड से बटन नॉट ए स्टोन सो यहां पर आपके स्पाउस की एनर्जी बाउंडलेस लव today i'll open my eyes a little wider and walk a little taller noticing that the world around me is filled with tiny miracles with this in mind it's easy to fall in love over and over again with everything from honeybees to neon signs and while i'm feeling this inspired and this in love everything else sort of falls into place i really feel that this person हैज ऑफकोर्स अ बिग हार्ट मतलब आपके पाइल नंबर टू आपके इस पाउस का जो दिल है वो बहुत बड़ा है दट कैन बी सीन एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज अ ग्रेट एडवाइजर काउंसिलर एंड अ ग्रेट टीचर एज वेल जो भी पर्सन है एक कोई प्रॉब्लम को एक सिचुएशन को जो है इस तरह से देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन यहाँ पर फंसे हुए हैं इस एरिया में फंसे हुए हैं तो ये पर्सन जो है ऊपर उठ के देखेंगे कि कहाँ पर जो है इस का लूप होल है या कहां पर इसका एग्जिट है ऊपर उठ के अगर हम जो है किसी प्रौ, किसी प्रॉब्लम या किसी ऐसे सिचुएशन में जहां पर हमें दिख ही नहीं रहा कि इसका एग्जिट क्या होगा तो हम किसी से सलाह लेने जाते हैं कि जिससे हम सलाह लेने जाते हैं वो उस सिचुएशन में नहीं फंसा होता राइट वो हमें करेक्ट एडवाइस दे सकता है द सेम गोज विद दिस पर्सन ये पर्सन भी जो है दूसरों को एडवाइस करते हैं दूसरों को काउंसिल करते हैं दूसरों को जो है हेल्प करते हैं उनको एक रास्ता बताते हैं सही रास्ता कि इस रास्ते चलोगे तो आपका भला हो सकता है इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो पॉजिटिव सिचुएशन में आ सकते हो सो so, ये बहुत अच्छे काउंसलर टीचर एडवाइजर हैं और काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ये पर्सन एंड दिस पर्सन हैज अ बिग हार्ट माफ बहुत जल्दी करते हैं न बी सीन यहाँ पर आपके पहले तो स्पाउस की एनर्जी देखेंगे फिर उनके फिजिकल अपियरेंस और अगर कोई टाइम टेरो बता सकता है कि आप कब अपने पर्सन से मिलोगे कब अपने स्पाउस से मिलोगे तो वो भी जो है हम देख लेंगे फर्स्ट यहाँ पर जो है आपके स्पाउस की पर्सनालिटी। फाइल नंबर टू के स्पाउस की पर्सनैलिटी All right, so we have the hidden knowledge, akashic records, silent understanding. I mean, this person does not really need communication. This person ko jo hai, ek, uh, he just have or she just have an understanding. here I feel that this person also have psychic abilities. Okay, secret gratitude.

विदाउट एनी कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन की वो अदर पर्सन कैसा फील कर रहे हैं एंड देर इज़ द सालेंट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कम्युनिकेशन की नीड ही नहीं है यहाँ पर इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप या फिर कोई और किस सिचुएशन से निकल रहे हैं क्या चीज़ें हो रही हैं एंड आई फील दैट दिस पर्सन हैव द हिडन नॉलेज मीनिंग एस्ट्रोलॉजी अकल्ट मिस्टिसिज्म से रिलेटेड भी इस पर्सन के पास नॉलेज है इन्फॉर्मेशन है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी आई रियली फील दैट दिस पर्सन विल हैव अ स्ट्रांग उत्तर फैलगुनी और आपका धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट ग्री इन योर चार्ट कैन बी इन द नक्षत्रा ऑफ उत्तर फैलगुनी विच अकर्ज इन द लियो एज वेल एज इन द वर्गो साइन एंड आई फील दैट इट इज गोनो बी इन द वर्गो साइन बिकॉज वर्गो इज वॉट इट्स it

वो चीजें भी इस पर्सन को पता है एंड दिस पर्सन कैन एक्चुअली हिम सेल्फ और हर सेल्फ कैन बी अ टेरो रीडर और एन एस्ट्रोलॉजर कैन बी अ साइकिक कैन बी अ प्रॉनिक हीलर दैट कैन ऑल्सो हैपन हेअर जो भी इनका प्रोफेशन है इट इज अनऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स क्योंकि कोई पेरेंट ये तो नहीं कहता ना अरे मेरा बच्चा बड़ा होकर एस्ट्रोलॉजर बनेगा कोई नहीं कहता कहते है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा ये कहते हैं राइट right? तो काफी अनऑर्थोडॉक्स ये पर्सन है अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच रखते हैं अनऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन है इनका एंड आई रियली फील दिस थिंग दैट दिस पर्सन ऑल्सो डू सम न्यू मून मून रिलेटेड रिचुअल्स दैट कैन इवन हैपन दिस पर्सन लाइक्स टू बीन नेचर दिस पर्सन इज अ पर्सन जिसकी काफी हिप्नॉटिक आईज भी हो सकती है फिजिकल अपियरेंस की अगर बात करें तो हिपनोटिक आईज और वेरी शार्प आईज

से भी रिलेटेड हो सकते हैं बट आई फील को मैरिज रिलेशनशिप पर भी एडवाइस करते हैं रिश्तों को भी अच्छा बनाने की पावर रखते हैं सो अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट और अ डायवोर्स लॉयर कैन ऑल्सो है एनर्जी इज कि दूसरे लोगों के मन में ये पर्सन क्लैरिटी लेकर आते हैं कि यू नो समटाइम वी गेट कंफ्यूज हमें करना ये करना चाहिए वो करना चाहिए तो हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं सेम गोज इन अ रिलेशनशिप एज वेल तो ये दूसरे लोगों को मे बी कपल थेरेपी देते इट्स अबाउट रिलेशनशिप दिस पर्सन गिव्स वेरी गुड एडवाइस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप लेट्स मोर कार्ड से

South Node is Ketu, North Node is Rahu. Rahu is against the norms of society. Rahu is foreign. Rahu wants to break the rules, the regulation, the norms of society. And as I've told you, this person is very unorthodox. They do something unorthodox in his profession as well. This person is going against the norms of society. And I really feel because Rahu is here, your Venus, your dhara Karka planet holding the lowest degree in your chart. Venus, the Karka of love, romance, marriage, spouse. And if you are a female, and you're listening to this reading for a husband then jupiter also becomes important because jupiter represents husband in a female's chart but if you're a lesbian then venus will be considered so yaha par jo hai jupiter or venus can be conjunct with rahu or your dharakarka can be conjunct with your uh, rahu because rahu is outcast foreign so this is i already feel that this is again a love marriage kind of situation because you are destined to get married to a person is यू नो कम्युनिटी के शायद ना हो यू आर ब्रेकिंग द रूल्स द नॉर्म्स यूर एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज वेरी अनऑर्थोडॉक्स दिस पर्सन ऑल्सो लवस एग्जॉटिक थिंग्स लव एक्सॉटिक फूड लव एक्सॉटिक पीपल मतलब फॉरन पीपल फॉरन कल्चर को लेकर इस पर्सन को काफी एक्साइटमेंट क्रियोसिटी रहती है एंड आई फील दैट दिस पर्सन बिलीव्स के हर दिन एक नई शुरुआत है हर दिन जो है एक नया दिन है हर दिन कुछ ना कुछ नया करना चाहिए और ये पर्सन इस चीज में भी बिलीव करते हैं कि हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो राइट right? ये पर्सन उस चीज में रियलिटी में बिलीव करते हैं और उसे उस बिलीव को जो है प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करते हैं हम हम कह देते हैं कि हाँ हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो गाना भी है राइट right? गीत भी है एक पर क्या हम ऐसा सच में करते हैं क्या हम ऐसा सच में करते हैं हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए और ये पर्सन हर दिन नए नई तरीके से जीना पसंद करते हैं दिस पर्सन डज नॉट रियली लाइक रूटीन डज नॉट रियली लाइक रूटीन नॉट रियली लाइक टू डू रिपीट रिपेटेटिव थिंग्स नो एंड इस पर्सन का जो मून है मून रिप्रेजेंट्स अर माइंड मदर इमोशन इट कैन बी इन द वर्गो साइन वर्गो इज अबाउट रूटीन रिपेटेटिव थिंग्स And he does not really like the routine. So that is something which I'm seeing. Physical appearance of file uh, number 2 spouse. File number 2 ke spouse ke physical appearance. Alright, we have the chariot. Okay. Choices batata hai, chariot or forward movement batata hai, chariot. And as I've told you.

वो चीज यहाँ नजर आ रही है एंड दिस पर्सन कैन बी यू नो इंटरेस्टेड इन मोटरसाइकिल कैन बी इंटरेस्टेड इन द मोटर व्हीकल्स एंड आई ऑल्सो फील रेड कैन बी देअर फेवरेट कलर और कहीं ना कहीं इस पर्सन को व्हीकल्स का शौक है दिस पर्सन लाइक्स व्हीकल और लेदर uh, जैकेट भी ये पहनना पसंद करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग यू नो मोटरसाइकिल्स अच्छी लगते हैं टू व्हीलर्स अच्छे लगते हैं और अच्छी अच्छी जो है ये टू व्हीलर्स चलाते हैं वो मोस्टली लेदर जैकेट्स भी पहनना पसंद करते हैं वो टोटल बैड बॉय बैड गर्ल वाली लुक जो होती है जो हम देखते हैं वैसी लुक उनको पसंद आती है सो आई फील दैट दिस पर्सन ऑल्सो लाइक्स टू वेयर अ लेदर जैकेट एंड यू नो इट्स इट्स अ बिट पर्सनल डे ओनली येस्ट ओनली मैं अपने फादर की जो है पुरानी पिक्चर देख रही थी एंड ही वॉज वियरिंग ऑलमोस्ट द सेम ब्राउन लेदर जैकेट वेन ही वॉज इन हिज आई थिंक थर्टीज एंड माई फादर इज ऑल्सो अ पर्सन जिसको टू व्हीलर्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो ई हैड दिस यू नो टू व्हीलर जो मतलब उन्होंने कई सारे टू व्हीलर्स चेंज करे थे बुलेट सबसे पहला था देन सम बिग मोटरसाइकिल इन वॉट नॉट सो अगेन वो वाली एनर्जी नजर आ रही है कि जहाँ पर यह पर्सन जो है लेदर जैकेट पहनते हैं और uh, he likes to um, you know ride a good um, you know what's that company Harley Davidson something Harley so this person like uh, the two wheelers जो kafi costly hote hain जितने में गाड़ी आ सकती है उतने में ये two wheeler देना पसंद करते हैं जैसे Harley Davidson I'm not wrong ये company so I feel that this person is interested into motorcycle and this person also like vintage things as well. Then we have the devil card here. The devil shows that this person will indulge or अपने पैसे खर्च person colorful person I would say. और अपने शौक पूरे करना चाहते हैं बिकॉज ही थिंक्स कि अगेन ऐसे हर एक दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो और अपनी हर एक डिज़ायर जो है फुलफिल करना चाहते हैं सम हाउलो बिलीव इन द थोरी वेयर ही वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज एवरी डिजायर सो दैट ही कैन फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ वीनस जो है वीनस इज वहीकल वीनस इज वहीकल एंड शुक्रा वीनस इन हिंदी शुक्र शुक्राचार्य ही वॉन्टेड और ही बिलीव्स इन की एक सोल को अपनी सारी विशेज और डिजायर्स भूमंडला पर पूरी कर लेनी चाहिए और उसके बाद जो है स्पिरिचुअलिटी पर वो इजिली जा पाएगी कोई और उसे डिजायर होगी ही नहीं तो इजिली स्पिरिचुअल पाथ पर चल सकेगी सो आई वेडी फील दिस पर्सन बिलीव इन दिस

और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है एक किक मिलती है इनको अपने जब ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं कहीं ना कहीं जैसे इफ़ हैव टू गिव एन एग्जाम्पल हेयर तो आई लव रनिंग आई लव 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 रनिंग मैं डिस्टेंट रनिंग करती हूँ कंटिन्यूस थ्री टू फोर किलोमीटर दौड़ना और तब तक जो है मैं नहीं रुकती जब तक या तो मैं अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचूंगी या मैं उससे पहले ही जो है मैं सांस मेरे प्राण पखेरू उड़ जाएंगे या तो मेरी आत्मा मेरी बॉडी से निकल जाएगी या मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी या फिर मैं पहुंच जाऊंगी अपने डेस्टिनेशन तक तो सेम गोज विथ दिस पर्सन इन रियल लाइफ इन लाइफ इन आ, करियर और इन एन एनी ये पर्सन अपना हंड्रेड लगा देते हैं और या तो वो काम कंप्लीट हो या फिर ये यू you नो know, ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे ही रियली टेक्स एवरीथिंग ऑन हिम सेल्फ और हर सेल्फ डरते नहीं है कंपटीशन से अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं इन इवन जब आप ये आप देखोगे जब ये पर्सन फोर्टीज या फिफ्टीज में भी होंगे तब भी अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे यंग एट हार्ट होंगे और इनका माइंड काफी कुछ चलेगा तब भी तब भी काफी कुछ चलेगा सो दैट कैन बी सीन एंड uh, इस पर्सन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कुछ और इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में इनकी एनर्जी ओके सो वी हैव सेल्फ एस्टीम, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स सन एज हाई सेल्फ इस्टीम एज वेल लो स्लो सेल्फ इस्टीम नहीं है इट्स अई सेल्फ इस्टीम एंड दिस पर्सन इज ए पर्सन जो दूसरों की तो हेल्प करते ही करते हैं एट टाइम्स ये खुद की भी काउंसलिंग करते ही रहते हैं खुद की भी काउंसलिंग ये पर्सन करते रहते हैं एंड आई फील के बॉडी वाइज अगर हम देखें मतलब फिजिकली ये पर्सन कैसे दिखते हैं आई वुड से इन हिज ट्वेंटीज एंड इवन थर्टीज में भी इस पर्सन की बॉडी जो है काफ़ी फिट है काफ़ी फिट है ये नहीं है कि यू नो ज्यादा खाते गए खाते गए खाते गए और फिर पेट निकल आया बाहर नहीं ऐसा नहीं है वो वो चीज़ नहीं है कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को भी फिट रखना चाहते हैं एंड आई डोंट रियली सी दिस पर्सन टू बी एक्स्ट्रीमली इन टू फिटनेस नहीं बट yes, अपनी फिजिक पर ध्यान देना कि ओवर वेट तो नहीं हो रहा हूँ मैं या हो रही हूँ मैं इस चीज़ पर ध्यान ये जरूर देते हैं बट नॉट वेरी एनल अबाउट इट नॉट वेरी वेरी एनल बट यस फिजिकल अपेयरेंस पर ये पर्सन ध्यान देते हैं कि इनकी बॉडी फिट है कि नहीं अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है तो उसको कैसे आयुर्वेदा के थ्रू जो है ठीक करा जाए नेचुरोपैथी के थ्रू ठीक करा जाए और अपनी बॉडी जो है ऐसे जो पेट है या फिर यू uh, नो you know, जो भी हमारी फिजिकल बॉडी है जहां जहाँ भी फैट जो है जमता है वहां पर ज्यादा तो फैट नहीं आ रहा उस चीज़ पर भी इस पर्सन का फोकस होगा बिकॉज जो नॉलेज है हम नॉलेज की बात करें तो हमें जुपिटर की भी बात करनी चाहिए जुपिटर इज द कार्क ऑफ नॉलेज और जुपिटर हमारी बॉडी में फैट को भी रिप्रेजेंट करते हैं इफ़ समवन हैज अ डेबिलिटेटेड जुपिटर दैट डज नॉट मीन कि उनकी बॉडी में फैट होगा ही नहीं वो बिल्कुल ही थेन होंगे ऐसा नहीं होता है

इस एरिया पर जो है वेट ज्यादा आता है बिकॉज जुपिटर रूल्स थाई एरिया एंड दिस पर्सन आर वेरी स्ट्रांग मेल या फीमेल जो भी जिस भी हस्बैंड वाइफ जो भी आप यहां पर जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो उनकी थाईज स्ट्रांग होंगी मस्क्यूलर थाईज होंगी एंड दिस पर्सन हैज सच बॉडी जो इजिली गेन भी करती है वेट इजिली गेन करते हैं ये पर्सन वेट जैसे कई लोग होते हैं जो पतले होते हैं राइट right? वो इतना इजिली नहीं करते वेर एज जो आपके स्पाउस की बॉडी की तासीर है वो जल्दी गेन करने वाली है सो ही वेडी टेक्स केयर ऑफ हिस्स फिजिक कि मेरे, मेरी बॉडी में ज्यादा स्टोर तो नहीं हो रहा फैट uh, उस चीज पर भी ये पर्सन ध्यान देते बट अगेन नॉट वेरी एन एल अबाउट इट नॉट रेडी वेरी एन एल अबाउट इट सो दिस इज समथिंग विच आई एम सींगर And yes, that was pretty much it. That was the reading for you. Pile number two. And I shall see you in the next reading. Taptak kele be positive. Stay happy. Hello, pile number three. So this is your reading. You chose the blue stone here. It's a light blue stone. I should not say stone. It's a button. <laughs> it's a button. सो लेट जस गेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपके स्पाउस की एनर्जी क्या है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है देन वील कम टू द फिजिकल अपियरेंस और जो भी मैसेजेस आ रहे हैं टेरो से आपके स्पाउस के लिए वो हम इस रीडिंग में पता करेंगे सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव द वॉम्थ कार्ड इट सेज आई फोकस ऑन वार्म एंड लेट इट गाइड ऑल माई इंटरैक्शंस No matter how others behave, I choose to respond warmly. With warmth, I can melt any ice exterior. I can soften any hard feelings. I can microwave any pizza. Today, I adopt the saying, kill him with kindness. Okay, of course, Selena Gomez, kill him with kindness. <laughs> Have you heard this song? I love this song. And turn myself into a warm and loving serial killer. I really feel that you can have the Dharakarka Mars. Dharakarka is the planet holding the lowest degree in your chart which represents a spouse. It can be Mars. It can be Mars or you can be a Manglik. You yourself can be a Manglik person here and especially Mars can be in the ascendant in the first house, aspecting the seventh house of marriage love relationship. It shows that you yourself and your spouse also are very warm hearted person. Warm hearted people, I would say. वेरी वार्म हार्टेड पीपल येस डॉमिनेटिंग बट वेरी वार्म हार्टेड एंड अगेन दिस पर्सन इज वेरी वार्म हार्टेड दिस पर्सन लाइक एक एग्जाम्पल देना हो तो कुछ लोग होते हैं ना जो uh, अगर आप उनसे कभी मिले भी नहीं होते हो एंड दे ट्रीट यू लाइक दे नो यू फॉर थोड़ी थर्टी ईयर्स उस तरह के पर्सन होने वाले हैं कि आपको इनसे पास लाइफ कनेक्शन भी फील हो सकता है एंड जब भी आप इस पर्सन से मिलते हो बहुत यू नो वम बहुत कंफर्ट देने वाले पर्सन ही इज़ दैट टेडी बियर और शी इज दैट टेडी बियर हु विल यू नो हग यू एंड विल मेक यू फील वॉर्म एंड कुछ लोग होते हैं जो जिनसे बड़ी वॉम और जिससे बड़ा कंफर्ट महसूस होता है और uh, अगर वो पर्सन आपको कुछ ऐसी बात भी कह देता है जो इतनी शायद आपको अच्छी ना लगे फिर भी जो है आप कहते हो नहीं जो भी है अच्छे पर्सन है नहीं ठीक है ये पर्सन बहुत अच्छे हैं क्योंकि मन को भा जाते हैं उस टाइप की पर्सनैलिटी है इस पर्सन की एंड आई रियली फील दिस पर्सन हैज वेरी लेस एनिमीज वेरी लेस एनिमीज वेरी लेस कंपेटिटर्स बिकॉज अगर कोई कंपेटिटर कोई एनिमी भी इनके इनके पास आता है तो वो भी जो है एनिमिटी भूल कर, जो है इनके साथ दोस्ती करना पसंद करता है इनसे बिल्कुल भी कम्पेटिटिव स्पिरिट वो वो चीज नहीं यहाँ पर महसूस हो रही है ये पर्सन इतने कम्पटिटिव नहीं है ये दूसरे पर्सन को जिताने में विश्वास करते हैं और काफी वार्म है एंड आई रियली फील दैट इट्स अ वेरी हैप्पी लाइट एनर्जी एंड सडनली मेरा भी मूड जो है चेंज हो गया है ये वाला कार्ड पढ़कर ये देख कर सडनली दिस आई बिकम रियली हैप्पी आई रियली फील के That that comfort, that love, and I feel that this person is a person who wears a lot of pajamas as well. मतलब <laughs> इस person को जो है jeans पहनना ये चीज इतनी शायद पसंद नहीं इस पर्सन को comfort जो है कंफर्टेबल चीजें पहनना पसंद है दिस पर्सन chooses comfort over फैशन ये भी चीज है दिस पर्सन इज अ पर्सन जो कोजी कोजी रहना पसंद करते हैं एंड आई फील ये पर्सन जो है एक मतलब uh, इनका बर्थ प्लेस एक ऐसी जगह पर इनका बर्थ ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ ठंड जो है वो ज्यादा थी या फिर इनका बर्थडे जो है विंटर मंथ्स में आता होगा एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज अ पर्सन जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस भी होगी ही कैन स्मेल अ डर्टी डाइपर फ्रॉम वन किलोमीटर और समथिंग But yes, he has a, he, he really or she really have this um, strong sense of smell as well. So let me just pull some cards for you here. Your spouse's personality. I should say energy. First energy. How is the pile number three person three spouse energy? Pile number three. Your spouse energy. Spouse's energy. ओके हमारे पास है डिवाइन फेमिनिन एंड वी हैव मैग्नेटिक रिस्पेक्टिव पावर वी हैव द एडजस्टमेंट लुकिंग बैक मूविंग फॉरवर्ड आई रियली फील दैट दिस पर्सन इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो हमेशा जो है एडजस्ट कर लेते हैं कोई भी सिचुएशन कोई भी पर्सन के साथ तभी तो इनकी कहीं किसी से इतनी एनिमिटी नहीं है कभी तभी इनके इतने एनिमीज है नहीं क्योंकि एडजस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज जल्दी कर लेते हैं कई होते हैं ना जो अड़ जाते हैं कि नहीं 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 हमने ऐसा करना ही नहीं है हम नहीं ऐसा करेंगे बिल्कुल भी नो वेयर एज दिस पर्सन एडजस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन और इस वजह से ये सभी के प्यारे बन जाते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन अटैचमेंट भी किसी से नहीं रखते हैं दिस ही और शी आर वेरी इंटेलिजेंट इन इमोशंस दिस पर्सन इज इमोशनली वेरी वेरी इंटेलिजेंट और इस वजह से दूसरों से कभी भी अटैच नहीं करते अपने आप को अटैचमेंट नहीं फील करते पोजेसिव ये पर्सन नहीं फील करते नो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी पोजेसिव देन नो दिस इज नॉट दिस पर्सन इज नॉट दैट पोजेसिव दिस पर्सन गिव्स द अदर पर्सन द फ्रीडम और जेलस कभी ये फील नहीं करते हैं पर्सन क्योंकि इस पर्सन में खुद में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गुण है कि कोई दूसरा पर्सन इनको छोड़ ही नहीं सकता एंड ही हैज अ वेरी स्ट्रांग सेल्फ स्टीम एज वेल वेरी कॉन्फिडेंट एंड इज वेरी विटी प्लस क्योंकि विटी है तो ये जोक्स भी अच्छे क्रैक करते हैं दैट्स अ पर्सन हु इज विटी वेरी गुड ह्यूमर दैट कैन बी सी और यहां पर डिवाइन फेमिनन है फेमिनन एनर्जी है मैग्नेटिक रिसेप्टिव फार अगेन दिस पर्सन इज वेरी मैग्नेटिक अगर ये भीड़ में भी है तो ये भीड़ से अलग दिखते हैं इनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है या जिस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है वो बहुत मैग्नेटिक है इवन इफ ये पर्सन जो है बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं ये नहीं है कि चमकीले कपड़े हैं रिप्ड जीन्स है या लेदर जैकेट है आई कैन नॉट सी दैट बहुत सिंपल बहुत सोबर कपड़े पहनते हैं एंड ही नोज कि सिंपलिसिटी जो जितनी सुंदर होती है उतना शायद ग्लैमर नहीं है सिंपलिसिटी और सोबरनेस जो होती है वो इनकी पावर भी और वो दूसरों को अट्रैक्ट करती है वेरी सिंपल एंड सोबर पर्सन वेरी सिंपल, कपड़ों से बहुत सिंपल, और क्योंकि ये पर्सन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है बहुत वार्म है तो इनको फिजिकल जो वो श्रृंगार हम कहते हैं ना कि हमने जो है एज अ फीमेल आई आई मेकअप करा है फाउंडेशन लगाया है ग्लो के लिए फेस पैक पहले लगाया था uh, या आईब्रोज कराई है जो ये ये काम है ये पर्सन इतने नहीं करते हैं बिल्कुल भी नहीं यस मेकअप कैंड मेकअप पर्सन लुक वेरी ब्यूटिफुल इट ऑल्सो गिव कॉन्फिडेंस बट ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस पर्सन को कपड़ों की जरूरत या मेकअप की जरूरत है ही नहीं कॉन्फिडेंट फील करने के लिए या फिर एक जैसे किसी कंपनी में भी अगर ये काम करते हैं और किसी दिन इनका जो है कोई फॉर एग्जाम्पल कोई यू you नो know, स्पीच है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है बिल्कुल सिंपल कपड़े ही पहनेंगे जो नॉर्मल ये पहनते हैं नथिंग वेरी स्पेशल बट द वे शी और ही स्पीक्स माय गुडनेस इट क्रिएट्स गूजबम्ब्स इट क्रिएट गूजबम्स और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक और है इस पर्सन का नो बडी कैन रियली डिनाई दैट मैग्नेटिज्म नो बन नो बडी कैन रेयली इग्नोर दिस पर्सन किंगली पर्सनैलिटी किंगली पर्सनैलिटी सिंप्लिसिटी में किंगली पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट लुकिंग बैक मूविंग फॉरवर्ड दिस पर्सन रिमेम्बर्स कि हाँ इस पर्सन ने ऐसा करा था वैसा करा था पर कोई ग्रज नहीं रखते कोई ग्रज नहीं रखते किसी के लिए खुला दिल है बड़ा दिल है वार्म हार्टेड ये पर्सन है अगेन वार्म 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 हार्टेड पर्सन किसी के लिए जो है इस पर्सन के अंदर इतना वो नहीं है कि इस पर्सन ऐसा करा वैसा करा वो जिसको हम कहते हैं ना भड़ास जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रज रखना वो नहीं है इस पर्सन में वेरी डिटैच्ड वेरी डिटैचड सभी के न्यारे और प्यारे हैं सभी से न्यारे और प्यारे रहते हैं न्यारे यानी कि डिटैच्ड और प्यारे यानी कि सभी को ये पर्सन पसंद भी है सो दैट्स दिस पर्सन विल हैव मेनी फ्रेंड्स मेनी फ्रेंड्स And will have very, very less uh, enemies. So that is something which I feel here. In ki personality, inki energy ke baare mein. information. So yeah, personality. Okay, we have it's time to take action. New moon in Aries. Then we have the energy is gaining momentum, waxing moon. All right, all right. First of all, I want to talk about the moon in Aries. It's time to take action. See, Aries has the nakshatras like Ashwini, Bharani, and kritika And what I fear is that Aries is the first zodiac, right? First zodiac, very fiery. And Aries is ruled by Mars. Again, Mars. I'm saying Mars. Shuru maybe reading me. I said that this person will. You either you will have.

एरीज कहता सबसे पहले मुझे ट्रीट करो फर्स्ट आई एम द वन एरीज इज आई मी सो पहले मुझे दो जो मुझे देना है आई एम द फर्स्ट चाइल्ड फॉर गॉड सेक सो रेडी फील दिस पर्सन इज अ वेरी फायरी पर्सनैलिटी और फायर को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर कहीं बॉन्ड फायर हो रही है तो आपका उस फायर की तरफ ध्यान जरूर जाएगा जाएगा ही जाएगा यू कैन नॉट इग्नोर इट

कम्फर्ट प्रोवाइड करते हैं वेरी जेनरस अबाउट मनी वेरी जेन्यस जेनरोसिटी इज देयर एंड आई फील दैट दिस पर्सन एज अ टोल्ड यू की ये पर्सन जो है सर्दियों के मौसम में सर्दियों के महीनों में पैदा हुए होंगे या फिर ये एक विंटर आई शूड से कोल्ड एरिया से बिलोंग करते हैं एंड है ऑल्सो हैव द माउंटेन्स एंड दिस पर्सन लव्स टू बीन यर नेचर एंड दिस पर्सन कैन यू नो वॉज बोर्न इन स माउंटेनियस एरिया रीजन और बोर्न इन दिन मंथस एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन वॉज ऑल्सो वेरी मच लव्ड बाय देर पेरेंट्स जो इनकी ग्रूमिंग है वो काफी अच्छी हुई है काफी अच्छी हुई है इनकी ग्रूमिंग कई बार हम कहते हैं ना कि हमारे तो भाई या उस पर्सन के तो पेरेंट्स भाई इतने अच्छे नहीं हैं काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते Whereas इनके पेरेंट्स ने इनको काफ़ी अच्छी ग्रूमिंग दी है काफी अच्छा इनका बचपन गया है काफी अच्छी ग्रूमिंग है इनकी पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी एंड बिकॉज इट्स द एरी साइन पहला बच्चा सो दिस पर्सन कैन बी द एल्डेस्ट हिज सिबलिंग और कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स जो है इनको ज्यादा Uh, इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं फर्स्ट चाइल्ड पर पहले बच्चे पर मां बाप का सबसे ज्यादा ध्यान होता है ये चीज है सो दिस पर्सन कैन बी द जेष्ठा मीनिंग द एल्डेस्ट अमंग हिज एंड एवरीथिंग कम्स टू हिम फर्स्ट ये भी चीज है सो दैट इज समथिंग विच सी इस पर्सन की फिजिकल अपियरेंस की अगर हम बात करें ये कैसे दिखते हैं फिजिकल अपियरेंस अबाउट आई मीन ऑफ पाइल नंबर थ्री Spouse, physical appearance, physical appearance of pile number three. Okay, we have justice here. All right. Then we have the emperor. All right. We have the feminine energy and we have the masculine energy. Meaning, it uh, balance here. Then we have the hermit. Fire again. Mars is what fire, passion, aggression. This person is fiery as well. That's there. So what I see is that because justice is there, I feel that this person wants to serve justice to other people. And I feel because we also have the Aries here. So Aries may we have Bharani nakshatra. Bharani is about justice. Bharani is about Implementing law, law enforcement. It also represents gynecology, wobi hai, the feminine energy, but more so it's about law. I feel that this person can be in the fields of law, that can be there. A lawyer. And I really feel that he can be in the he can be a criminal lawyer, that can happen because this person wants to do justice to other people. एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन में वो एनर्जी है या वो एक यू नो सभी के साथ फेयर रहने वाली एनर्जी है किसी के साथ जो है सब बुरा ना हो सभी जो है सभी को एक फेयर चांस मिले इस टाइप के थॉट्स इस टाइप के सोच विचार है इस पर्सन की सभी को मौका देना चाहते हैं राइट right? तो ये एनर्जी अगेन वी हैव द एम्पर वांट्स टू सर्व अदर पीपल energy इज अबाउट सर्विंग हिज energy योर हर energy इज अबाउट सर्विंग अदर पीपल मेकिंग अदर पीपल वेलकम्ड मेकिंग अदर पीपल फील welcomed warm ये एक ऐसी एनर्जी रेडिएट करते हैं जो काफी वार्म हार्टेड है दूसरों को अपनापन कंफर्ट फील कराते हैं अगेन

रिलेटेड दोशाज कैन हैपन टन कईयों की जो तासीर है वो गर्म होती है तो इनकी गर्म तासीर है जैसे कि तुलसी गर्म होती है और जैसे नीम है नीम की तासीर गर्म होती है तुलसी की तासीर गर्म होती है तो अगर ये चीजें ये पर्सन खाएगा एक्सेसिव बॉडी जो एक्सेसिव हीट होगी इस पर्सन की बॉडी में ऑलरेडी और अगर ये चीज और खा ली तो और बॉडी में हीट जनरेट होगी तो क्या होगा बॉडी में बॉयल्स हो जाएंगे छाले हो जाएंगे दिस पर्सन हैज बॉडी टाइप एंड दिस पर्सन फिजिकल अपियरेंस दिस पर्सन विल बी यू नो फेयर इन कंप्लेक्शन फेयर एंड वीटिश भी हो सकता बट मोर सो फेयर कंप्लेक्शन है इस पर्सन का फेयर कंप्लेक्शन पिंकिश फेयर कंप्लेक्शन एंड ये पर्सन को जो है ग्रे हेयर भी जल्दी आएंगे एंड आई फील दिस पर्सन ऑल्सो विल हैव ए स्ट्रांगर लोअर बॉडी यूकी वी हैव द नक्षत्र ऑफ आश्विनी आश्विनी इज द नक्षत्र ऑफ हॉर्सेस हॉर्सेस कैसे दौड़ते हैं पैरों से अपने लेग्स से दौड़ते राइट right? तो उनकी जो लेग्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है योर पर्सन योर स्पाउस कैन बी एथलेटिक एज वेल योर स्पाउस कैन बी एथलेटिक योर धाराकार का ऑर द सेवेंथ लॉर्ड और जूपिटर एज अ फीमेल जुपिटर जो है हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है इट कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ आश्विनी और इफ यूर लेस बी देन हम वीनस को ही देखेंगे वीनस इज द कार्क ऑफ वाइफ फीमेल्स सो योर वीनस कैन बी इन आश्विनी। आश्विनी आश्विनी इज द नक्षत्र ऑफ हॉर्सेस, योर स्पाउस विल बी अ पर्सन हुवर इज वॉचिंग दिस रीडिंग आप जो हो आपके स्पाउस जो होंगे उनकी लोअर बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी उनकी अपर बॉडी से उनकी थाइज उनके लेग्स बेसिकली ज्यादा स्ट्रांग होंगी अपर बॉडी से एंड अ हॉर्स कैन किल अ पर्सन फ्रॉम देअर लेग्स दे कैन एंड सेम गोज विद द स्पाउस दैट योर स्पाउस विल हैव अ वेरी स्ट्रांग लेग्स मस्क्यूलर लेग्स विल लव रनिंग एज वेल रनिंग और उनकी थाईज उनके um, जो लेग्स होंगी उसमें ज्यादा मसल्स होंगे ज्यादा स्ट्रांग मसल्स होंगे अपर बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी लोअर बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होगी कॉलर बोन्स वीक होंगी सो दिस इज द बॉडी टाइप हेअर बट दिस इज अ पिथ बॉडी टाइप एक्सेसिव हीट एंड या, ले पुल सम मॉक कार्ड हेअ फॉर यू अबाउट देयर पर्सनैलिटी फाइल नंबर थ्री के पर्सन की पर्सनैलिटी स्पाउस की एनर्जी And yes, this person will also love wearing gold. Will love wearing gold. We have abundance. Again, we have the red color, a fire color. I am limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. This person is really strong emotionally too. This person is really, very strong emotionally. And I see that this person. अगर आपने देखा हो यह चीज यू विल सी दिस नॉर्मली एज वेल यू डोंट नीड एस्ट्रोलॉजी टू नो दिस कि जो लोगों की बॉडी की तासीर जो है गर्म होती है और वो अगर गोल्ड पहनते हैं तो और भी उनकी बॉडी में गर्मी होती है और उनको एंगर गुस्सा जल्दी आएगा इस वजह से कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को गोल्ड सूट नहीं करता है एंड दिस पर्सन लव्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एज वेल पर शायद ये पर्सन जो है खुद इतना ज्यादा गोल्ड ना पहन पाए क्योंकि इनकी बॉडी एक्सट्रीमली यू नो इट हैज लॉट ऑफ़ इट वेरी सो वेल द पर्सन इज वियरिंग द गोल्ड हेयर द गोल्ड इज देयर द एम्पर इज वियरिंग गोल्ड किंग जो है गोल्ड पहना हुआ ही देखते हैं हम ज्यादातर दिस पर्सन हैज हॉट बॉडी टाइप पिथ बॉडी टाइप एंड वेरी फायरी बट एट द सेम टाइम वेरी वार्म कम्फर्टिंग फायर है ये जैसे ठंड में आ, हम जो है बॉन्ड फायर करें या लोहरी है इन आर पंजाब वी वी सेलिब्रेट लोहरी इट इट गिव्स एस वार्म एंड एक तरह से एंड ऑफ विंटर कहते हैं हम उसको एंडिंग हो गई विंटर की तो वो जो वार्म है वो गर्मी जो है वो वाली जो फायर है वो हमें कम्फर्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये कम्फर्टिंग फायर है इंड दैट कैन बी सीन

So this is the part of their personality. All right. So this was the reading for you pile number three and I shall see you in the next reading till then be positive stay happy. Hello pile number four. So this is your reading you chose the white stone or I should say white button here. Right? So let's just get started. Don't worry. आई विल नॉट रश योर रीडिंग बिकॉज आई डू रीड योर कॉमेंट्स आई डू रीड देम एंड यू से देट की जो फोर्थ या फिफ्थ पाइल होती है उसका बहुत जल्दी जल्दी आप कर देते हो रीडिंग खत्म आई वोट डू इट ऑल राइट आई प्रोमिस सो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम आपके स्पाउस की जो है एनर्जी uh, और पर्सनैलिटी उसको देखेंगे देन फिजिकल अपियरेंस और अगर कोई टाइम पीरियड आता है कोई टाइम आता है कि आप इस पर्सन से कब मिलोगे तो वो भी हम देखते हैं बट फर्स्ट जो भी हाँ इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपको देती हूं क्या एनर्जी है आपके स्पाउस की ऑल राइट वी हैव हाउ मेनी ब्यूटिफुल इट सेस आई नो इन माई हार्ट दैट वेन समथिंग इज राइट इट फील्स ईजी एंड ब्रीजी इवन दो दैट साउंड चीजी विद दिस इन माइंड आई बैनिश ऑल स्ट्रेस इन सिक्योरिटी वर्क From my relationships, if I'm pronouncing the term correctly, tedious, uh, then I invite harmonious uh, relationships into my life and let them show up on their own time. Easy breezy, things are rarely punctual. It's so true, things are rarely punctual. Here, the thing is, I feel that um, your person, the energy of your person, is go with the flow. अड़ते नहीं है रिजिट नहीं है ईजी गोइंग है एंड दिस पर्सन गोज विद द फ्लो और माफ भी जल्दी करते हैं ये पर्सन और लाइट इनका जो है और होगा लाइट और ऐसे नहीं है कि ये पर्सन रूड है ये है वो नो दिस पर्सन इज वेरी लाइट दिस पर्सन इज रेडी ईजी गोइंग और आई फील दिस थिंग दैट जब ये चलते हैं जब वेन ही और शी वॉक्स देप्स आर रियली लाइट बहुत हल्के कदमों से ये पर्सन चलते हैं भारी कदम नहीं है क्योंकि भारी कदम जो होते हैं एक तरह से थकावट दिखाते हैं थकावट शो करते हैं थका हुआ शो करते हैं लाइट स्टेप यानी इजी गोइंग और यहां पर जो है वी हैव टू एनिमल्स जस्ट वेरी सिमिलर आई फील दिस पर्सन ऑल्सो हैव दिस ट्विन पर्सनैलिटी इन साइड देम आई इधर उनके खुद के कोई ट्विन होंगे सच में रियल में अदरवाइज इस पर्सन के अंदर एक और ट्विन है दिस पर्सन विल ऑल्सो हैव दिस ट्विन पर्सनैलिटी विल सी अबाउट दैट इन इन डिफरेंट कार्ड बट फर्स्ट इन फॉल मैं दिस पर्सन इज अ पर्सन जो जिनके अंदर रिदम भी है रिदम ऑफ लाइफ दिस पर्सन केन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग धनिष्ठा नक्षत्र एज वेल यू कैन हैव योर वीनस योर जूपिटर योर सेवेंथ लॉर्ड Dharakarka uh, is the planet holding the lowest degree in your chart which represents the spouse in Dhanishta so if you are a female watching this reading and you are uh, you know, listening and watching this reading for a husband then Jupiter becomes important because Jupiter is the Karka of husband in a female chart if you are lesbian then you have to see Venus where is Venus placed in which nakshatra it is placed so here uh, we have the harmony as i've told you this person can have a dhanishta your venus your jupiter or the seventh lord can be in dhanishta dhanishta is a nakshatra of dhan first of all wealth and second is ki dhanishta shows musical instrument flute and drum or koi bhi music instrument so and it represents rhythm of life which is pulse right तो आयुर्वेदा में भी बिलीव करते हैं बी एम एस करता है आई फील दैट दिस पर्सन इज रेडी इन टू फिटनेस एंड इज इन टू आयुर्वेदा मोर देन दलोपैथिक मेडिसिन इज मॉर आयु बिलीवर ऑफ आयुर्वेदा डू द योगा Uh, he he does or she does the yoga and um, is about fitness for sure. And this person may even uh, learn some music instrument. And yes, this person is destined to learn some music instrument in their life. And I also feel that uh, this person is also quite fashionable, irrespective of gender. This person is very fashionable. इस तरह का टेक्सचर मुझे पसंद है कलर्स का इस पर्सन को काफी पता है एनर्जी सम मोर कार्ड्स फॉर यू फॉर एनर्जी ऑफ योर स्पाउस वॉट द एनर्जी ऑफ पायल नंबर फोर्स स्पाउस पायल नंबर फोर के स्पाउस की क्या एनर्जी है Okay, we have the uh, touching earth planting something new as I've told you this person is very much interested into Ayurveda very much near to the nature. Then we have the portal infinite mind awakening consciousness again it's about yoga, meditation, pranayama and I feel that this person, इज अ पर्सन हु बिलीव इन के हर दिन एक नया दिन होता है एवरी डे इज़ अ न्यू डे लिव एवरी डे कि लिव योर लाइफ इन सच अ वे जहाँ पर हर दिन जो है कुछ नया है और हर दिन जैसे आखिरी हो उस तरह से जीते हैं ये पर्सन एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी स्परिचुअल बिकॉज वी हैव द नंबर ट्वेल्व नंबर ट्वेल्व शोज द you can say it's it's the sign of pisces number 12 is the sign of pisces and pisces represents natural dmt experiences which is what spirituality spirituality is a natural dmt and i also feel that this person is very patriotic also and this person is also a person who likes to keep hairstyles as well likes to keep hairstyles quite obsessed with their hair i see that this person is um, also very much interested into activities related to water like water harvesting or rituals related to water running water this person can even live near water live in coastal areas live near lake this person is also a person who has already awakened their consciousness they they live a very conscious lifestyle these are also the people i mean your pile number four your spouse is also a person who do the um what's that thing Ke, जब जैसे अगर हमें किसी जगह जाना है तो हम क्या लेते हैं हम कोई दूर एक फॉरेन uh, कंट्री जाना है तो हम एक एयरप्लेन में जाके यू you नो know, बैठेंगे और फिर जाएंगे राइट वेयर इज दिस पर्सन मेडिटेट्स दिस पर्सन मेडिटेट्स एंड दे गो टू डिफरेंट एरियाज एक मेडिटेशन में जो है हम ऐसा करते हैं हम सोल uh, के फॉर्म में जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह ट्रेवल कर सकते हैं एंड दे आर मैनी दे आर मेनी मेनी सोल्स जो ऐसा करती हैं टाइम ट्रेवल भी करती हैं एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज गटेन द हाइस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज ए गुड टीचर ऑल्सो ग्रेट टीचर एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन इज अ प परसन जो मटीरियलिस्टिक इतने नहीं हैं

हासिल करना चाहते हो उन डि को कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि वो अपने स्पिरिचुअल पाथ में और आगे बढ़े क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पर हम जब तब तक नहीं चल सकते जब तक हम जो है हमारी डिजायर्स फुलफिल ना कर लें अदरवाइज हमारा ध्यान फिर से दुनिया में दुनिया की झगमुई झगमुई में जो है अटक जाएगा तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फुलफिल देर मटीरियलिस्टिक डिजायर सो दैट ही और शी कैन गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी बट इनका जो एंड मोटिव है दैट इज टू बी स्पिरिचुअल Your uh, pile number four, your spouse is not that materialistic. it he or she is not that materialistic, this person is a person who wants to follow spirituality. Planting something new. जब हम कोई नई चीज प्लांट करते हैं तो एक वो seed form में होती है, right? एक seed form में होती है। जो आत्मा है, जो soul है, that is also like a seed, पर एक चमकता हुआ seed. So, this person is well aware of this fact that we are souls and there is one supreme soul. Supreme soul does not have a body, it's just a point of light. He or she knows that, he or she knows this thing. And they practice this self awareness, self consciousness, which is soul. And they want to. यू you नो know, उसके उसके पाथ पर चल चुके हैं कि कैसे ईगो को खत्म करें एंड आई रियली फील दैट दिस पर्सन अर्ली इन लाइफ स्पेशली इन द टीज वर पीपल जो एक उनके पास बहुत सारे कपड़े होते होंगे बहुत सी कॉस्मेटिक्स होती होंगी बहुत अच्छे अच्छे व्हीकल होते होंगे बट एज दिस पर्सन कम्स टू दअ थर्टीज फोर्टीज मिनिमलिज्म पर इस पर्सन का ध्यान हो जाएगा कि कम से कम चीजें हों जरूरत से ज्यादा नहीं कम कम से कम और जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें हो एंड आई आल्सो फील दैट दिस पर्सन इज अ पर्सन हु विल डेफिनेटली कंट्रोल द प्राणा डेफिनेटली कंट्रोल्स द ब्रेथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये पर्सन जरूर करते हैं एंड जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो है धीरे धीरे हमारे थॉट्स कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं वो बिखर बिखराव नहीं रहता वो कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है मेडिटेशन बढ़ता जाता है कॉन्शियसनेस जो है हमारी जो हमारी सोल है उसकी पावर बढ़ती जाती है सो दिस पर्सन इज ऑल्सो अबाउट कुंडली अवेकनिंग एंड दिस पर्सन ऑल्सो इन लेटर पार्ट ऑफ देअर लाइफ विल बिकम दिस डिटैच पर्सन विल बिकम अ पर्सन जो कहीं ना कहीं जानते एक चीज ये भी कि टू स्टार्ट दियर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस टू एंटर दियर स्पिरिचुअल आश्रम दे नीड टू मैरी इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल द सेवेंथ हाउस इज नोन एज द मैरिज हाउस सेवंथ हाउस को अगर हम मैग्निफाइंग ग्लासेज देखें तो वो जो है होना चाहिए सप्तांशा चार्ट बट हम मैरिज के लिए नवांशाह चार्ट देखते हैं द नाइन्थ डिविजन नव नाइन्थ डिविजन हम देखते हैं ऐसा क्यों है नाइन्थ हाउस तो रिलीजन स्पिरिचुअलिटी का होता है पिल्ग्रम्स का होता है पिलग्रामेज ट्रैवल का होता है हम मैरिज के लिए वो क्यों देखते हैं वाई इट्स बिकॉज द नवामशा नवामशा शोज द मैरिड लाइफ बिकॉज मैरिड लाइफ इज लाइक द स्पिरिचुअल आश्रम आफ्टर सम टाइम बिकॉज मैरिज इज द बिगेस्ट कार्मा वी हैव टू पे स्पाउस इज नॉट आर सोलमेड नेवर आई मीन इट्स इट्स नॉट ट्रू स्पाउस इज नॉट आर सोल मेड दे आर नॉट दे आर एक्चुअली दे आर एक्चुअली द बिगेस्ट एनिमीज फ्रॉम आर पास्ट लाइफ जिसके साथ हमारा एक बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन है तभी हम अपने स्पाउस के साथ लड़ते हैं झगड़ते हैं बट स्टिल बी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड of course they cannot be the soulmate here they are the biggest enemies from our past life the great kian radha the great great astrologer said this thing and this is so true and he knows this thing that i have to pay my biggest karmic debt first and then only i will be able to enter my spiritual ashram and he or she will do this thing that they are gonna marry they are gonna have children with you for sure

साउथ नोड डोंट लेट योर पास होल्ड योर बैक साउथ नोड इज बेसिकली केतु इट्स केतु केतु इज अ वेरी स्पिरिचुअल प्लान एंड इट्स अबाउट द पास लाइफ एज वेल केतु जो हैतु रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी मोक्षा वेन एवर जुपिटर एंड केतु आर कंजंक इट्स इट्स योगा ऑफ सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम भी होता गुरु चंडाल पर एट टाइम्स केतु को भी हम जब भी जुपिटर केतु के साथ होते हैं उसको भी हम गुरु चंडाल बोलते हैं बट आई थिंक जुपिटर केतु इज कॉल्ड लाइक Brahmacharya yoga or something but it's about it's about the spiritual path itself I'm forgetting the name I'm so sorry about it but it is one of the yoga Jupiter and Ketu yoga it's the yoga of uh, spirituality as well it's a yoga of moksha and does that mean a person will become a celibate or will, be, will never marry no it's not like this because many pawn stars have Jupiter uh, Ketu conjunction

venus is the guru of dattas. venus says that first fulfill your materialistic desires and then follow the spiritual path. it will be much easier for you. whereas jupiter says, no, 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 forget about these things. I'll, I'll, i'm going to teach you with a stick. do this. Uh, mop the floor. so jupiter is a very strict guru, whereas venus is not that strict. and it shows that. Um, New moon in Taurus shows prosperity lies ahead, meaning that this person is also very financially well off. At the same time, because we have like Jupiterian energy and we also have Venus as a teacher here, we have Ketu, so this person is into spirituality for sure. That's there already. If you're listening to this reading, you're going to see this thing that your spouse is very spiritual. And I really get this strong vibration of spirituality. This person knows many mystical things as well. And this person is a person who values spirituality. Who values spirituality? Because Taurus is the sign of value as well. What does he value? Value the most? We have Ketu here, and Sathme me we have a Jupiterian sign, and we have the uh, you know awakening consciousness. दोनों की संगति में ये वाला टॉरस जो है यानी वैल्यू करना किसी चीज़ को टॉरस इज अबाउट वॉट डू यू वैल्यू इन योर लाइफ रेडी आई फील दैट दिस पर्सन वैल्यूज देयर गुरुज दिस पर्सन वैल्यूज द टीचिंग्स ऑफ द गुरुज एंड दिस पर्सन वैल्यू द सेल्फ अवेयरनेस एंड सोल कॉन्शियसनेस एंड यू नो गॉड सो दैट्स देयर बट येस बिकॉज वीनस नल्सो रिप्रेजेंट्स योर ब्यूटी डिजाइनिंग वहीकल्स स्पेशली लग्जरी परफ्यूम सो दिस पर्सन ऑल्सो इज गुना बी अ पर्सन जो अपनी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर जरूर पूरी करेंगे और उसके बाद जो है स्परिचुअलिटी पर आएंगे सो लेमी जिस पुल फ्यू कार्स फॉर योर पर्सनस योर स्पाउस फिजिकल अपियरेंस Physical appearance of pile number four. Physical appearance of pile number four. Spouse. Spouse's appearance. Pile number four. Alright. So we have page of pentacles. Alright. Then we have the page of cups. Again we have the Noah's energy here. Then we have nine of cups all right all right this person is very very creative this person is really artistic in their approach this person is um, you know very much uh, interested in arts media creativity this person lives near water and here the person is you know we, we have the water here we also have water here so this person definitely lives near water water body i also feel that this person wheatish it can be wheatish complexion fair complexion i do not see that this person is dark no i feel that this person is has this wheatish uh, or um, fair complexion fair side this person is a person who is a again practitioner of ayurveda I feel that this person will try many new many things in their life early on. कई सारी चीजें ये person try करेंगी Even astrology, occult, mysticism को भी जानेंगे ये person. एंड आखिर में जो है मतलब last जो इनका step है जहाँ पर जिस स्टेप को या जिस चीज को फॉलो करने वाला supreme power. सुप्रीम पावर दैट दैट स्पिरिचुअलिटी दिस पर्सन इज वेरी क्रिएटिव course, वेरी आर्टिस्टिक वेरी इन देयर अप्रोच एंड अगेन द सेम थिंग इनकी अगर वीट स्किन टोन और जो है इनका अपियरेंस बी फेयर इन कंप्लेक्शन एंड और इनकी बॉडी टाइप जो है बॉडी टाइप व्हाट आई फील देअ बॉडी टाइप इज आई फील के इस पर्सन की बॉडी में जो है वाता ज्यादा है वाता इज एयर Gastric issues can definitely happen here. Vata body type. And I feel that this person will also deal with some leg issue. Deal, will, will deal with some leg issue. Uh, meaning that, um, they say limping leg. Some knee issue will happen to him or her. And they will limp for some time for sure in their life. And I also feel that this person likes to breathe a lot. I mean, of course, everyone needs breathing, but likes to breathe a lot, meaning that it's fresh, fresh, special, fresh. He likes that, or she likes that.

वेन वी हैव ब्लॉक्ड नोस तो हम कैसे सांस लेते हैं हम मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं और मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो उससे ज्यादा पॉल्यूशन अंदर जाता है तो सम हैव दिस पर्सन वॉन्ट्स लाइक टू हैव अ गुड ब्रीदिंग सो दिस पर्सन ऑल्सो डू नेती जल नेती एंड दिस पर्सन डिंग फॉर ब्रीदिंग फॉर श्योर कैन डील विथ दू नो Blocked nose and sinus issues can deal with these things and a limping leg as well. Issues in the knee, muscles jo hai knee ke around wo usme koi issue hona that will happen to this person because jo knees hai hamari it's Saturn it's Saturn Saturn represents our profession as well. तभी हम कहते हैं हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए right? तो so it is profession plus it represents the knee area as well. Without this knee stiffness आ जाएगी. हम खड़े ही रहेंगे फिर तो हमारी टांगे बिल्कुल सीधी ही रहेगी सो नी सैटर्न प्रोफेशन ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर जो है ये पर्सन जो है इस पर्सन को नीज इशू होंगे और जब भी इनको जो है नी इशू होता है समाह इनका प्रोफेशन अप जाता है राइस करता है

और हेल्थ इश्यूज हमें खुद खुद से ही जो है उससे डील करना पड़ता है कोई और जो है हमें सिर्फ दवाई ला दे सकता है पर हेल्थ इशूज से हमें खुद निकलना पड़ता है चाहे जितना बड़ा हेल्थ इशू हो खुद हमें सफ़र करना पड़ता है हेल्थ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कार्मिक डेट्स वी हैव टू पे दिस पर्सन विल हैव ब्रीदिंग रिलेटेड इशू एंड लेग नी रिलेटेड इंजरीज एंड जब भी नी रिलेटेड इंजरी होती है टीथ रिलेटेड इंजरी होगी बिकॉज टीथ बीट सैटर्न है तो ये पर्सन अपने करियर में राइज करेंगे और इनके कार्मिक कनेक्शन जो है वो कट होते जाएंगे और ये अपने स्पिरिचुअल लाइफ में और प्रोग्रेस कर सकेंगे आई एम सॉरी इफ आई एम बोरिंग यू हेयर इफ यू फील दैट वॉट वॉट इज अक्षता सेंग दिस इज दिस इज सो बोरिंग बट दिस इज वॉट ही और शी इज दिस इज वॉट ही और शी विल बी दिस इज द पार्ट ऑफ देअर पर्सनैलिटी So, if you are getting bored, then when you are going to get this person in real life in front of you, then. Kya hoga? <laughs> but don't worry, this person is not that boring. But this person's belief system is this. It's this. This is his or her belief system. This is their energy. So, don't get bored here. This person is very interesting. Do not worry about that. And let me pull one more card here. For. Their personality, their energy. And I see here the portal is there. I feel that this person also will discover different places, different, uh, uh, what's that term, different lokas. Different lokas. So this person is definitely going to travel via their soul. Not via any airplane, no via uh, soul. So we have change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Again I was talking about that this person travel and here we have the movement. So this person definitely is a person. Jo no who, uh, Atma ke through soul ke through travel karte hai and this person will go through many changes in their life many changes in their life many changes in the belief system as well this person is destined to go through many changes and the thing is that if you see the change as well we have a you know symbolism here one you know point of light here again it's about soul it's about soul consciousness

नक्षत्र बट द जोडियोडियस आर रूल्ड बाय नक्षत्र हम कहते हैं लूनर मैं हम नक्षत्रा को लूनर मैं मैं जोडियक्स आर रूल्ड बाय सन एंड हेयर एज वेल अगर हम देखें मून को लाइट कौन देता है इट्स द सन एंड सन इज आर नेचुरल आत्मा कारका अगेन वी हैव सोल हेयर सोल सिग्निफिकेटेड सो हेयर एज वेल एज बीफोर आई मीन कुछ देर पहले कुछ मिनट पहले मैंने आपको ये कहा था दैट दिस पर्सन कैन हैव अ जूपिटर केतु कंजंक्शन इट्स अ योगा ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट सो दिस पर्सन इज डिस्टाइंड टू गेट दैट स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट फॉर श्योर द पर्सन इज अ पर्सन योर स्पाउस इज अ प पर्सन हु वॉन्ट्स टू फॉलो द धार्मा पार्थ ऑफ धार्मा The soul's destiny. Again, we have the soul here. Destiny is to follow the dharmic path. It's not about um, just being in the, just being about uh, you know I want to become this vice president. I want to become the CEO. My I should have a big house, a luxurious vehicle. Early on, yes, it can happen that this person is like this, but after the age of thirty. He will become the spiritual person. He will have the spiritual enlightenment early in life, but he first will fulfill his materialistic desire. Later, spiritual progress following the path of dharma. All right, pile number four. I hope many of you bore not but this is the energy which I'm getting, and this is your. This is like part of your energy is also like this, because we say that our spouses are counterpart, right? So. आपका जो आपके जो काउंटर पार्ट है उनकी एनर्जी तो है ये पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी ये है आपका भी कहीं कही ना कहीं जो एक पार्ट है आपका इट इज ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअलिटी इट इज इवन इफ यू आर यंग योर टीन एज आर टीन एजर वॉचिंग दिस रीडिंग और यू आर इन योर ट्विटीज और यू आर इन योर थर्टीज वट एवर स्टिल योर पार्ट ऑफ योर सोल इज टू बी विद अ पर्सन जो इस तरह के हैं और कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस से मैच करोगे सो दिस इज द एनर्जी दिस इज यू नो दे पार्ट ऑफ देअर पर्सनैलिटी अगेन इट्स नॉट द फुल इमेज इट्स नॉट द फुल पिक्चर ह्योर इट्स पार्ट ऑफ देअर पर्सनैलिटी सो दिस इज वॉर आई एम गेटिंग एंड दिस वॉज द रीडिंग फोर यू पायल नंबर फोर And I shall see you in the next reading. The Ptakiri be positive. Stay happy.